बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत, दो की मौत, दो दर्जन से ज्यादा घायल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मूडा थाना क्षेत्र के जीरो पॉइंट पर उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार से बस अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराते हुए एक दीवार में घुस गई। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। छठ पूजा के लिए यात्री पंजाब से बिहार जा रहे थे। यात्री प्रदर्शनदर्शी का आरोप है ड्राइवर नशे में था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मूडापांड्या क्षेत्र के जीरो पॉइंट पर उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार पर बस अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराकर एक दीवार में घुस गई और यात्रियों की चीख पुकार से है क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हादसा की आवाज सुनते ही लोग इकट्ठे हो गए और हादसे की जानकारी पुलिस को दे दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आनन फानन में घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल ले गया गया। अस्पताल में घायलों को भर्ती करके डॉक्टर ने इनका इलाज शुरू कर दिया है। घटना के जानकारी यात्री और प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बताया गया कि बस तीन रफ्तार में थी, अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई और दूसरी साइड में दीवार में जा घुसी, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और दो दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। साथ ही ड्राइवर नशा करे हुए था जो यह बस चला रहा था, जिसकी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी के अनुसार घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। Thank you.
अच्छा क्या हुआ था? बस में वो ड्राइवर दारू पीकर गाड़ी चला रहा था, मैंने भी किया, वो माना नहीं, बोला कि चलो कुछ भी नहीं होगा, गाड़ी इतना रफ्तार में कर लिया कि उसके मान में नहीं आ पाया। कहाँ से बैठे थे आप लोग? हम जीतवाल, जीतवाल। अच्छा अच्छा, कितने लोग थे बस के अंदर? 78 आदमी। 78। कहाँ पर हुआ ये हादसा? वो जगह तो मालूम नहीं है हमको। किस चीज से मिली थी गाड़ी आपकी? किस चीज से गाड़ी मिली? टक्कर जो, वो जो घर के छाड़ वाले खींचते हैं लोग बाहर साइड से, उसी में। अच्छा, किसी की मौत भी हुई है? वो नहीं पता है, मगर दो आदमी को बोल रहा है कि मौत हो गया है। अच्छा अच्छा, जो बस चालक था वो क्या कहते हैं, शराब पिया हुआ था? जी जी। आप लोगों के सामने भी थी? जी। तो यहाँ पे कितने लोग आए टोटल मालूम है कुछ? यहाँ 20 आदमी के आसपास में। ये नाम बताना अपना। प्रेमचंद्र कुमार। कितना है यहाँ? तो अभी 20 आया हुआ है। 20 आए हुए? जी। अच्छा अपना भैया, इतना कितनी कैजुअलिटी हुई? क्या किस किस में टक्कर? ये थाना मोडा पांडे क्षेत्र में हाईवे पर एक ट्रक और एक बस में एक्सीडेंट हुआ है। ये बस पंजाब से बेतिया जिला बिहार के लिए चली थी, इसमें अब तक दो लोगों के मृत होने की सूचना है। इसमें कुछ लोगों को PHC और अन्य लोगों को यहाँ जिला अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है, जिसमें 17 लोग अभी यहाँ ट्रीटमेंट, अब सभी को प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और इसमें विधि कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग थे ये घायल हुए टोटल? इसमें अभी जिला अस्पताल में 17 लोग लाए गए हैं, बाकी और लोगों की भी ट्रीटमेंट और सूचना एकत्रित की जा रही है। लोग जो अलग अलग जगह वहाँ पे इंजर्ड हुए थे। सर बस में कितने लोग सवार बताया जा रहा है टोटल? अभी ये सब काउंटिंग की जा रही है और जो अपडेट होगा उसमें बताया जाएगा। धन्यवाद। एक्सीडेंट हुआ कहाँ पर हुआ और कितने की मौत हुई? ये मोढ़ा पांडे क्षेत्र में दलपतपुर के पास हुआ है और इसमें एक बस जो है वो बिहार जा रही थी बेतिया के लिए, उसमें मतलब बस से एक्सीडेंट हुआ और उसमें लगभग जो है वो दो लोगों की तो डेथ हो गई है। एक जो है यहाँ पे सीरियस है, बाकी लोगों को 5 को थोड़ा हायर सेंटर रेफर करने की बात है और 12 जो है 12 लोग ऐसे हैं जो प्राथमिक उपचार के बाद जिनको मतलब छुट्टी दे रहे हैं और कुल मिला के 40 के आसपास लोग जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई माइनर इंजरी भी नहीं है। तो हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं, बात हो गई है जिस ट्रांसपोर्ट की बस थी उसके ट्रांसपोर्टर से बात हो गई है और हमारे साथ क्षेत्राधिकारी भी हैं वहाँ के, तो बात हो गई है और काफ़ी कुछ जो है वो मैनेज करके उन लोगों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जो ठीक है नाम भी आया और ड्राइवर जो है दारू पिया हुआ था वो फाइनल जो है जो भी इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें क्लियर पता चलेगा कि क्या था।